स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबर। गुजरात ने दलित युवाओं के खून से खेली होली। गुजरात के मेहसाना से समाज को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई, जहां कक्षा 12वीं के एक 17 वर्षीय दलित छात्र की पिटाई कर दी गई। मिली जानकारी के अनुसार 18 मार्च की दोपहर में दो लोगों ने छात्र को पेड़ से बांध दिया और उसकी पिटाई कर दी। छात्र की पिटाई के बाद की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इन तस्वीरों में उसके शरीर के निशान दिखाई दे रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुई यह घटना आग की तरह फैल रही है। रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित की कक्षा 12वीं की परीक्षाएं चल रही थी। घटना उस वक्त घटी जब वह इंग्लिश का पेपर देने गया था। पीड़ित को फिलहाल मेहसाना के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित की FIR में दर्ज बयान के अनुसार वह करीब 1 बजे बस से धीनोज गाँव में स्थित परीक्षा केंद्र सार्वजनिक विद्या मंदिर हाई स्कूल पहुँचा। जब मैं परीक्षा केंद्र के बाहर इंतजार कर रहा था, तभी रमेश सिंह, जिसे मैं चेहरे से जानता हूँ और जो स्टेट ट्रांसपोर्ट में बस कंडक्टर है, उसके पास गया। उसने कहा कि उसे उससे कुछ काम है और अपने साथ जाने के लिए कहा। वह उसे एक दूसरे आदमी के पास ले गया जो बाइक पर इंतजार कर रहा था। दोनों मुझे पास के गाँव के खेत में लेकर गए। पीड़ित का कहना है कि उसने दोनों से कहा कि वे उसे छोड़ दे, नहीं तो उसका पेपर छूट जाएगा, लेकिन दोनों ने कहा कि वह चिंता न करे, पेपर शुरू होने से पहले वह उसे परीक्षा केंद्र छोड़ देंगे। बाद में दोनों ने उसे एक नीम के पेड़ से बांध दिया और उसकी पिटाई करना शुरू कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित की मां ने कहा कि जब उनके बेटे ने उनसे पिटाई की वजह पूछी तो उन्होंने उसे गाली दी और कहा कि उसे पढ़ने और परीक्षा देने के बजाय मजदूरी करनी चाहिए। इस घटना के बाद गुजरात के दलितों में गुस्सा है। दलित नेता और वड़गाम के निर्दलीय विधायक जिग्रेश मेवानी ने कहा कि गुजरात ने दलित युवाओं के खून से होली खेली है। घटना के बाद पीड़ित छात्र ने परीक्षा नहीं दी। उसने घटनास्थल से टैक्सी ली और अपने घर गया। उसने घर पर इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। गुरुवार को जब वह स्नान कर रहा था, तब उसकी माँ ने उसके शरीर पर चोटों के निशान देखे और पूरी घटना के बारे में उससे जानकारी ली। पुलिस ने IPC की धारा 323, 341, 504, 506(2) और 114 के तहत मामला दर्ज कर पुलिस छानबीन कर रही है। तो MNS न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।